हाय, हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टैरो 313। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो गाइस, आज हम देखेंगे आपकी लाइफ में कौन आ रहा है, पास्ट पर्सन आ रहा है या फिर न्यू पर्सन आ रहा है, लाइक एक्स आ रहा है या नेक्स्ट आ रहा है। आज की टॉपिक का रीडिंग होगा। अगर आप लोग जानना चाहते हैं, काफ़ी ज़्यादा आप लोग इंटरेस्टेड हैं कि आपकी लाइफ में नेक्स्ट कौन आ रहा है, पास्ट से आ रहा है कोई या न्यू पर्सन आ रहा है, तो आप लोग रीडिंग को देख सकते हैं। रीडिंग गाइस जनरल है, कलेक्टिव है एंड टाइमलेस है। आप जब भी देखोगे आपसे रेजोनेट होगा, जितना रेजोनेट हो उतना रखें, बाकी को जाने दें। चैनल पे न्यू हैं, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। फॉर पर्सनल रीडिंग्स कॉन्टैक्ट ऑन माई ईमेल। ईमेल आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, इंस्टाग्राम पे मिल जाएगा। इंस्टा का आईडी मेरा आपको स्क्रीन पे मेंशन नज़र आ रहा होगा। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर करें, ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें, ताकि आप कोई भी मेरी रीडिंग जो है वो मिस ना कर सकें। ठीक है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है। आपका कोई भी जेंडर है, आपका कोई भी साइन है, यू गाइस कैन वॉच। सो लेट्स सी, आपकी लाइफ में कुछ भी चल रहा है या किसी में भी आप इंटरेस्टेड हो, आप रीडिंग को देख सकते हैं कंफर्म करने के लिए कि आपकी लाइफ में एक्स आ रहा है या नेक्स्ट आ रहा है। ठीक है, सो लेट्स सी, देखते हैं जो व्यूवर्स रीडिंग को देख रहे हैं उनकी लाइफ में कौन आ रहा है, एक्स आ रहा है या नेक्स्ट आ रहा है, व्यूवर्स की लाइफ में कौन आ रहा है। सो फर्स्ट है गाइस हमारे पास नाइट ऑफ स्वॉर्ड, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। देन वी हैव टेन ऑफ स्वॉर्ड, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, हाई प्रिस्टेस, स्पाइसिस। इस पर्सन की एज 20 हो सकती है या 21 भी हो सकती है। देन वी हैव पेज ऑफ वैंड, सीरियस लियो सैगिटेरियस, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न। देन वी हैव एट ऑफ कप्स, कैंसर पाइसिस स्कॉर्पियो। कौन आ रहा है वीवर्स की लाइफ में, एक्स या नेक्स्ट। देन वी हैव एस ऑफ स्वॉर्ड, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। वन मोर कार्ड, वीवर्स की लाइफ में कौन आ रहा है। हमारे पास है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न। बॉटम ऑफ द डेक है सिक्स ऑफ वैंड्स। ओके, सो गाइस ये जो पर्सन आ रहा है इसकी एज 21 मैंने आपको बताई है, 20, 28, 26, यस 20+ मुझे लग रहा है। दिस पर्सन इज़ वेरी यंग, या नोट में जोड़, वेरी यंग पर्सन। सो ये जो भी पर्सन आ रहा है बड़ी तेज़ी से आ रहा है, मतलब दिस पर्सन इज़ वेरी इम्पल्सिव, अपने आप को रोक नहीं पा रहा बिल्कुल भी, और काफ़ी ज़्यादा ऐसा फील हो रहा है जैसे ये आपका कोई सीक्रेट एडमायर है, जो आपको सीक्रेटली पसंद करता है, आपको बहुत ज़्यादा चाहता है, आप में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड है और आपसे बात करना चाहता है बेसिकली। बट काफ़ी टाइम से आई फील लाइक लॉन्ग टाइम से ये पर्सन प्लानिंग कर रहा है आप लोगों से बात करने की। ठीक है, यस, ये मुझे पास से पर्सन बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा। दिस पर्सन इज़ अ न्यू, ब्रांड न्यू पर्सन, वेरी फ्रेश पर्सन। यस, काफ़ी ज़्यादा आई फील लाइक ये पर्सन काफ़ी फेमस है, लोग इसकी काफ़ी रिस्पेक्ट करते हैं, काफ़ी लाइमलाइट में ये पर्सन रहता है एंड वेरी सक्सेसफुल पर्सन ऑल्सो। बट ये पर्सन जो है काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड है गाइज आप लोगों में। डेफिनेटली इसने अपनी हिडन की हुई है फीलिंग्स, आपको कुछ एक्सप्रेस नहीं किया हुआ, आपको नहीं बताया हुआ कि ये पर्सन कितना इंटरेस्टेड है आप लोगों में, बिकॉज इस पर्सन की जो इमोशंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। एंड डेफिनेटली दिस पर्सन इज सिंगल पर्सन, मतलब कोई भी ऐसा नहीं लग रहा कि कोई बीच में प्रॉब्लम है या कुछ ऐसा है, ये सिंगल पर्सन है और आप लोग भी ऑब्वियसली सिंगल ही होगे रीडिंग को देख रहे हो जो। लेकिन ये वो पर्सन बिल्कुल भी नहीं है जो पास्ट से हो या जिसे आपका ब्रेकअप हो गया हो, क्योंकि पास्ट आपका पास्ट में रह चुका हुआ है। यहाँ पास्ट पर्सन कोई भी नहीं आ रहा, ब्रेकअप आपका जो हो गया वो ख़त्म। ये न्यू पर्सन की रीडिंग है। जो लोग चाहते हैं कि आपकी लाइफ में न्यू पर्सन आए, इंटरेस्टेड हैं आप लोग, तो ये वो न्यू पर्सन आ रहा है और ये रीडिंग आप लोगों के लिए है। बट ये पर्सन बहुत ज़्यादा सीरियस है गाइस, यस। लेकिन स्टार्टिंग पे हो सकता है ये पर्सन आपसे फ्लर्ट करने की कोशिश किया, बल्कि करेगा, फ्लर्ट करेगा, आपको इनडायरेक्टली कुछ ना कुछ ऐसे क्लूज साइंस देगा जहाँ से आपको कन्फर्म होगा कि ये पर्सन आप में इंटरेस्टेड है। बट ये जो भी है ये सीक्रेट एडमायर है, हो सकता है कोई आपका फ्रेंड भी हो सकता है जो आपको सीक्रेटली लाइक पसंद करता है, लेकिन आप लोगों को नहीं पता, काफ़ी टाइम से वो आपको बताने की प्लानिंग कर रहा है। बट ये जो भी पर्सन है ये आपको प्रपोज करने आएगा गाइस,
प्रपोजल देने आएगा आपको, डेफिनेटली यस। हो सकता है बहुत से लोगों को ये पर्सन नाराज करके आपकी तरफ आएगा, बिकॉज ये बिल्कुल भी हारना नहीं चाहता, ये कोशिश अपनी करना चाहता है, कम्युनिकेशन करना चाहता है। बेसिकली आपकी कम्युनिकेशन मुझे लगता है वैसे ज़्यादा हुई नहीं है, यहाँ बिल्कुल ही नहीं हुई। लेकिन ये जो पर्सन आ रहा है इसको विक्ट्री चाहिए अपनी लाइफ में। इमोशंस जो हिडन फीलिंग्स हैं काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि इसको आपके साथ ना एक अटैचमेंट सी महसूस होती है जो ये पर्सन इग्नोर नहीं कर पा रहा। सो दे हैव टू टेल यू कि व्हाट आर द फीलिंग। सो बहुत जल्दी ये पर्सन आ रहा है, बट प्लानिंग काफ़ी टाइम से चल रही है, आई ऑलरेडी टोल्ड यू। बट अब ये पर्सन आएगा तो बहुत जल्दी से आपको बताएगा ये जो भी फील कर रहा है आप लोगों के लिए, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा ये पर्सन आप में इंटरेस्टेड है। ये इंटरेस्टेड क्यों है, क्योंकि आपकी जो नेचर है वो काफ़ी ज़्यादा नर्चरिंग, काफ़ी मदरली, वट एवर आप मेल भी हो, काफ़ी मदरली, काफ़ी केयरिंग सी एनर्जी है, सपोर्टिव एनर्जी है आप लोगों की। दैट्स वाई ये बहुत ज़्यादा ना बेचैन हो रहा है। बट जल्दी, बहुत जल्द है ये पर्सन, मतलब ज़्यादा डिले नहीं आप करना चाहता। सो ये न्यू पर्सन आ रहा है आप लोगों की लाइफ में और आपको प्रपोजल देगा ये पर्सन। या काफ़ी ज़्यादा स्टेटस, एक अच्छे स्टेटस पे है ये पर्सन, एंड पीपल्स लाइक देम, वट एवर मेल फीमेल जो भी है। ओके, सो दिस इज योर रीडिंग, आई होप आपसे रेजोनेट की हो, पसंद आई हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द नोटिफिकेशन बेल। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय।